दोस्तों, ज्यादातर जानवर हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, या तो खतरनाक उनके देखने की वजह से या फिर उनकी खूबसूरती की वजह से, पर वो हमको अपनी तरफ मतवजा जरूर करते हैं। वैसे तो दुनिया में लाखों इकसाम के जानवर मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही 8 जानवरों से कराने वाले हैं जो दिखने में काफी मासूम लगते हैं, पर अगर आप इनसे ज्यादा एहतियात ना बरतें तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरीशा, वेलकम टू अरीशा टीवी। स्लो लोरीज। दोस्तों, ये जानवर इंडोनेशिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस जानवर को देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा क्यूट जानवर कोई भी नहीं लगेगा, पर ये बड़ी बड़ी आँखों वाला और नरम स्किन वाला सबसे ज्यादा जहरीला मेमल है। इनके जॉइंट्स में जहरीला जहर होता है। खतरा महसूस होने पर ये जहर अपने दांतों तक लाते हैं और जिसे भी काटते हैं, वो इंसान हो या चाहे जानवर, उसकी मौत वाकया हो जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसका जहर कोबरा से मिलता है और इसकी स्किन पर भी कोबरा जैसे काले धब्बे हैं। इस जानवर को पालतू बनाने के लिए इसके दांतों को काट दिया जाता है। नंबर 2, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा दिखने में तो बहुत मासूम लगता है, क्योंकि आज तक हमने ज़ेब्रा को हमेशा दूसरे जानवरों का शिकार होते ही देखा होगा, मगर अब जो आप वीडियो क्लिप देखने जा रहे हो, इसको देखने के बाद आप इसको मासूम समझने की गलती कभी नहीं करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक ज़ेब्रा ने एक वर्कर पर हमला कर दिया है और उसका हाथ अपने मुंह में दबोच लिया है और इसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसके साथ का दूसरा जो लेबर है वो अपने साथी को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है। ज़ेब्रा का एक चौंका देने वाला फैक्ट ये भी है कि मेल ज़ेब्रा फीमेल ज़ेब्रा के साथ उसके बच्चे को देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे में वो मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला करता रहता है, जिससे मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 3, बफर फिश। दोस्तों, अमेज़न का जंगल सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पर दुनिया के एक तिहाई जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल भी पाए जाते हैं, जिनका हमारी बाहर की जिंदगी से कोई राबता नहीं होता। वहाँ पर ही एक फिश भी पाई जाती है, जिसे बफर फिश कहा जाता है। ये क्यूट सी गोल मटोर और मोटी फिश को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये खतरनाक भी हो सकती है। बफर फिश खुद को गुब्बारे की तरह फैलाने की सलाहियत रखती है। कोई खतरा महसूस हो तो ये खुद को गुब्बारे की तरह फैला लेती है। दोस्तों, जब कोई शिकारी जानवर या फिर कोई मछली इसका शिकार करने की कोशिश करती है तो ये खुद को फैला लेती है और खाने वाले के हल्क में फंस जाती है। इससे होता ये है, या तो शिकारी जानवर खुद सांस फूलने से ही मर जाता है, या फिर मजबूरी मछली को दोबारा से बाहर उगल देता है। इस फिश की डिश जापान की मशहूर तीन डिश में आती है, लेकिन इसको सर्व करने के लिए वहाँ के रेस्टोरेंट को अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए इस डिश को बनाने के लिए उस शख्स को 3 साल का डिप्लोमा या फिर कोर्स हासिल करना पड़ता है, क्योंकि ये फिश बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इसे खाने से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस फिश में मौजूद जहर सीधा दिमाग में असर करता है, जिससे दिमाग का जिस्म से कनेक्शन खत्म हो जाता है और हमारा जिस्म ढीला हो जाता है। दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और मिनटों में इंसान की मौत वाकया हो जाती है। नंबर 4, कॉर्न स्नेक। फ्रेंड, इस जानवर को घूंगा भी कहा जाता है। ये बहुत से रंगों में होते हैं। ये एक समुद्री जानवर है। ये जानवर बेहद ही मासूम और खूबसूरत दिखने की वजह से हर साल 2 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस जानवर के जहर का एक कतरा 20 लोगों की जान ले सकता है। सबसे बड़ी बात, इस जानवर के जहर का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिल सका है। दोस्तों, अगर आज के बाद आप किसी भी कॉर्न स्नेल को देखो तो इसको हाथ में मत लेना, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। हर साल इंसानों की जान लेने की लिस्ट में ये जानवर 5वें नंबर पर आता है। नंबर 5, पांडा। दोस्तों, पांडा जैसा मासूम दिखने वाला जानवर भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, मगर दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच बदल लोगे। इस वीडियो में एक पांडा जंगली के पास बैठे एक इंसान को पीछे से पकड़ लेता है और जोर जोर से अपनी तरफ खींचता है। वहां पर मौजूद सभी लोग इस शख्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और पांडे से छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ पांडा इन सब पर बारी है, पर खुशकिस्मती से इस इंसान की जैकेट उतर जाती है और इसकी जान बच जाती है, वरना ये पांडा इसकी जान ले लेता। नंबर 6 डियर, दोस्तों जब खूबसूरत आँखों या फिर खूबसूरत चाल की बात की जाए तो हमेशा से हिरन की मिसाल दी जाती है। ये शर्मीला सा खूबसूरत जानवर हमेशा से दूसरे जानवरों का शिकार होता रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहां एक हिरन अपने बच्चे की हिफाजत करते हुए एक कुत्ते की पिटाई कर देती है और पास ही बैठी पालतू बिल्ली पर भी हमला कर देती है। दूसरी वीडियो में आप एक हिरन को एक शिकारी पर हमला करते हुए भी देख सकते हैं। यह अपनी सींगों की मदद से सामने वाले को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों इस प्यारी प्यारी आँखों वाले हिरन को कभी भी हल्के में लेने की कोशिश ना करना। नंबर 7 टर्टल, मासूम सा दिखने वाला ये टर्टल क्या आप सोच सकते हैं कि ये भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये तो खुद किसी दूसरे जानवर या इंसान को देखकर डर जाता है और खुद को छुपा लेता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये मासूम सा दिखने वाला जानवर किसी दूसरे की जान भी ले सकता है? नहीं देखा तो आज देख लें। इस कछुए को देखें, ये जो तालाब के किनारे आए कबूतरों पर हमला करता है और इसको पानी में ले जाता है और इसको मार देता है। इसके अलावा इसको इंसानों पर भी हमला करते देखा गया है। तो दोस्तों आपको इन जानवरों की लिस्ट में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा क्यूट और खतरनाक लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो सिटी ऑफ जी पर है, जो कि अमेज़न के जंगलात में है, जो कि खोया हुआ सोने का शहर है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ ही खत्म हुई। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।